राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल गठन को लेकर कवायद तेज है। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की। संभावना है अगले हफ्ते में मंत्रिमंडल का गठन कर लिया जाए। राजस्थान में मुख्यमंत्री समेत ज्यादातर 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। बीजेपी एक मुख्यमंत्री को और 2 डिप्टी सीएम बना चुकी है। ऐसे में अब 27 मंत्री और बनाए जा सकते हैं, जिसमें ज्यादा युवा विधायकों को शामिल करने की चर्चाएं हैं। सूत्र कहते हैं कि भजन लाल शर्मा की कैबिनेट में 15 से ज्यादा युवा विधायकों को जगह मिलेगी। सूत्रों ने कहा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के मंत्रिमंडल में 15 से 17 युवा विधायक शामिल होंगे, जिन्हें पहले चरण में मंत्री बनाया जाएगा। बैठक में गृह मंत्री समेत कई नेता मौजूद रहे। दरअसल समाचार रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा मौजूद थे। इसके अलावा राजस्थान अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजय रहाटकर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, राजेंद्र राठौर और सतीश पुनिया समेत कई भाजपा नेता मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर खबर है, इस बार मुख्यमंत्री की रेस में जो नेता थे, बड़े विभाग उन्हें दिए जा सकते हैं। तो राजस्थान कार्मिक विभाग और डीपीआर, गृह विभाग, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन कानून और परिवहन विभाग, चिकित्सा और स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा विभाग बड़े माने जाते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की दौड़ में चल रहे विधायकों को ये विभाग दिए जा सकते हैं। गृह मंत्री पद के 2 मजबूत दावेदार हैं। सांसद रहे बाबा बालकनाथ और किरोड़ी लाल मीणा गृह मंत्री की दौड़ में हैं। बीजेपी ने जिस तरह हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, उसे बनाए रखने के लिए बाबा बालकनाथ को गृह मंत्री बनाया जा सकता है। बालकनाथ मुख्यमंत्री की दौड़ में भी आगे थे। वहीं गृह मंत्री पद का दूसरा मजबूत दावेदार राज्यसभा सांसद रहे किरोड़ी लाल मीणा को माना जा रहा है। मीणा पूर्वी राजस्थान के बड़े नेता हैं। उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा थी। सीएम के नाम के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर लाठी खाए किरोड़ी लाल मीणा और सीएम बने भजन लाल ट्रेंड भी करने लगा था। ऐसे में भाजपा उन्हें गृह मंत्री बनाकर मीणा समाज और पूर्वी राजस्थान को साध सकती है। बीजेपी को इसका फायदा लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। नई सरकार के मंत्रिमंडल में क्या जातीय गणित दिखाई देगा? बीजेपी में एससी समाज से सबसे ज्यादा 23 विधायक हैं। राजपूत समाज से 17, एसटी से 16, ब्राह्मण 12, जाट 12, वैश्य 8, गुर्जर 5, रावत, नगर, नागर, धाकड़, कालवी और पटेल समाज से 3-3 विधायक हैं। इसी तरह अन्य समाजों से 2-2 और 1-1 विधायक हैं। बीजेपी ने ब्राह्मण समाज से भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर अपनी पकड़ पहले ही मजबूत कर ली। इसी तरह राजपूत और दलित समाज से डिप्टी सीएम बनाकर बड़ा सियासी संदेश दे दिया है। गुर्जर, यादव, वैश्य समेत अन्य समाज से आने वाले विधायकों को भी तवज्जो देने की बात कही जा रही है। सरकार के मंत्रिमंडल गठन में लोकसभा चुनाव की तैयारी की झलक भी देखने को मिलेगी। बीजेपी ब्राह्मण, राजपूत और दलित समाज से मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बनाकर पहले ही जातीय समीकरण साध चुकी है। ऐसे में मंत्रिमंडल में अन्य समाज से आने वाले विधायकों को तवज्जो दी जा सकती है। राजस्थान में गुर्जर समाज बड़ी भूमिका में है। ऐसे में भाजपा 5 में से 2 से 3 विधायकों को कैबिनेट मंत्री बना सकती है, क्योंकि पिछले कई चुनाव से गुर्जर अपने समाज के नेता को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 2-3 आदिवासी नेता भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। खबर है आदिवासी इलाके में बीजेपी लगातार पिछड़ रही है। क्षेत्रीय पार्टी बीएपी, भारत आदिवासी पार्टी का आदिवासी बहुल क्षेत्रों में प्रभाव बढ़ रहा है। बीजेपी आदिवासी समाज को अपने साथ रखना चाहती है। ऐसे में समाज से आने वाले बड़े और नए चेहरों को मंत्री बनाया जा सकता है। बीजेपी में फूल सिंह मीणा प्रमुख आदिवासी नेताओं में से हैं। उदयपुर ग्रामीण सीट से 3 बार विधायक बने हैं। मीणा मंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इसी तरह शंकरलाल डेचा और कैलाश मीणा को भी मंत्री बनाया जा सकता है। बात महिलाओं की करें तो विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल पास कराकर एक बड़ा दाव चला। ऐसे में बीजेपी मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या बढ़ा सकती है। मंत्री बनने की दौड़ में अनीता भदेल, सिद्धि कुमारी, नौक्षम चौधरी और दीप्ति किरण माहेश्वरी आगे चल रही हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल में कम से कम 4 महिला विधायकों को जगह दी जा सकती है। मंत्री पद के मजबूत दावेदारों की बात करें तो ऊपर दिए नामों को छोड़कर जेठानंद व्यास, महंत प्रतापपुरी, विश्वराज सिंह मेवाड़, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, जवाहर सिंह बेडम, जोगेश्वर गर्ग, जितेंद्र गोठवाल, मदन दिलावर, हंसराज पटेल, झाबर सिंह खर्रा, पब्बा राम बिश्नोई, बैरा राम चौधरी, लाला राम बैरवा, लादूलाल पितलिया, जगत सिंह, हीरालाल नागर, जयदीप बिहानी, संजय शर्मा और ताराचंद जैन समेत गोपाल शर्मा प्रमुख दावेदार हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दिल्ली में पार्टी हाईकमान के नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। ऐसे में साफ है कि मंत्री के नामों का फैसला भी दिल्ली से ही होगा। अगले हफ्ते तक राजस्थान सरकार की पूरी टीम का चेहरा सामने आ जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।